गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू RIS ऑनलाइन क्लासेस अगेन। नाउ वी विल डिस्कस यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज आर लास्ट पॉइंट प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ स्टार्ट मेकिंग ऑफ फूड आइटम। बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। इन सब में क्या होता है कि बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध से दही बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। क्योंकि आप अगर आपको याद नहीं हो तो ये भी सीख सकते हैं, जो लैक्टो नाम का जो वायरस है वो मिल्क में पाया जाता है। लैक्टेस इज फॉर्म व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन। ये कैसे फॉर्म होता है, जब प्रोटीन हमारी कैसीन कहलाती है, प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क के अंदर रहता है, क्लम्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिडिफाइड मास। कैसीन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक, जब मिल्क एसिडिक होगा जब ही उसमें दिखेगा। अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड कंटेन द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क में एक चम्मच दही डालने से ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको दही में कन्वर्ट कर देगा। किस तरीके से होता है ये देख भी सकते हैं नीचे, मिल्क प्लस कर्ड गिव्स मिल्क बिकम एसिडिक, गिव्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट, चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेपोकोकस ऑन मिल्क। सी, बैक्टीरिया एक्ट अपॉन द टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। जो बैक्टीरिया होता है वो मीट को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडरिसेशन ऑफ मीट। यीस्ट सेल आर यूज इन मेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स। फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट येल्लो विद द लाइट शुगर इज मिक्स विद द फ्लावर ऑफ मेक टफ। ये सारी की सारी प्रोसेस में हमारा क्या है, बैक्टीरिया यूज होता है। ये प्रोसेस है, इसमें भी ढोकला, इडली, डोसा, इन सब के अंदर भी क्या है कि हमारा यीस्ट नाम के प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल यूजेस। अगर हम कमर्शियल यूजेस की बात करें, यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिडिक एसिड। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑफ ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रीन लाइक वार्ले, वीट, राइस एंड फ्रूट जूस। ये हमारा कमर्शियल का मतलब होता है कि अगर हमें बिजनेस करना है बड़े स्केल पर, शॉप्स वहाँ पर जहाँ से भी कारखानों से सामान आता है वहाँ पर ये हमारा यीस्ट यूज होता है, बियर में, एल्कोहल में, वाइन में और एसिडिक एसिड में। और जो हमारी ये कहाँ से ग्रो होती है, तो ये बनती है हमारे ग्रेन से, बार्ले से, वीट, राइस एंड फ्रूट जूस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल, शुगर से एल्कोहल बनने की प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एग्जाम में आपके ये आ सकता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने डिस्कवर की, तो लुईस पाश्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर की। नेक्स्ट, बी, सम बैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे टी बनाने के, कॉफ़ी बनाने के एंड टमेको बनाने के भी काम आते हैं। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। इन तीनों एसिड के अंदर भी जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। ये एक्टिविटी है, ये आप खुद पढ़िएगा, इसके ऊपर छोड़ के आया था मैं। नेक्स्ट हमारा ये यूज होता है मेडिसिन यूज में भी काम आता है। मेडिसिन यूज में किस तरीके से काम आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। व्हेन वी फॉल इन, अगर हम बीमार होते हैं, द डॉक्टर गिव सम मोर एंटीबायोटिक टैबलेट। तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शन। व्हाट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है, हाउ दे आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। दे मेडिसिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म सच अ बैक्टीरिया एंड फंगी डेट किल स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम कभी बीमार होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको ही ख़त्म करता है एंटीबायोटिक, जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रेजेंट इन आवर बॉडी कॉल्ड एंटीबायोटिक। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मशीन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोर्स होता है एंटीबायोटिक का, ये कहाँ पर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के टाइम में सारी की सारी मेनली अगर हम बात करें तो फंगी और बैक्टीरिया से ही बनती हैं। स्ट्रेटोमिसिन, टेट्रासिलीन एंड एरिथोमाइसिलीन आर सम ऑफ द कॉमन नॉन एंटीबायोटिक इन अ मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर आर पेंसिलिन। जो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी उसका नाम था पेंसिलिन। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फंगस कॉल्ड पेंसिलिन नोटाटम। इस नाम से जो पेंसिलिन नोटाटम है इस नाम से जानी गई थी, जो पहली बार डिस्कवर थी। एंटीबायोटिक आर मिक्सड विद द फीड एंड लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन। ये वहाँ से निकलती है। अब पढ़ते हैं प्रिकॉशंस टू टेक वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक हमें इतनी आसानी से नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ ध्यान रखना होता है, तो कुछ रूल्स होते हैं उसके लिए पढ़ते हैं। पहला, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो कोई अच्छे से डॉक्टर से ही सलाह लेकर हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग स्ट्रेप्टोफाइडोकोकी बैक्टीरिया इन दिस लेबोरेटरी। आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। हमें क्या है कि कोर्स को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पूरा की पूरा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दो डोज में लगते हैं कि सही है, पर अंदर ही अंदर बैक्टीरिया और वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमें पूरी की पूरी डोज लेनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड फॉर रॉन्ग डोज। हमें क्या है कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि हमें नीड ना हो, ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। इट मे टेक द एंटीबायोटिक ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इन द फ्यूचर। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डोज लेंगे तो आगे अगर वो हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगी, छोटी से छोटी चीज़ लेंगे तो। एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। अगर आप अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो नेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए अगर आप कोल्ड और फ्लू में हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज बाय वायरस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वैक्सीन। अब वैक्सीन का कैसे प्रोडक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब वैक्सीन हमारी बनती है। वैक्सीन प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल अगेंस्ट सेवरल डिजीज बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको बढ़ाने में मदद करती है ये वैक्सीन, और वैक्सीन बनाई जाती हैं चाहे एनिमल्स हों चाहे ह्यूमन्स हों। द एबिलिटी ऑफ वन बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एक बॉडी के अंदर डिजीज सहने की क्षमता कितनी होती है वही हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाय द टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। और इम्यूनिटी के खिलाफ अगर कोई भी पार्टिकुलर डिजीज है, अगर उसको हमें डेवलप्ड करना है तो वही टेक्निक मेरी क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन। अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड वीकेंड डिसीज कॉजिंग माइक्रोव यूज साइमल्टेनियसली इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन है, ठीक है। व्हेन अ वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन, ये हम इस मतलब जो ये है इसमें पढ़ लीजिएगा कि सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीवी के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन के द्वारा ही खत्म की जाती हैं। अब ये कुछ दे रखी हैं, नीचे देखते हैं हम। दिस पार्टिकुलर वैक्सीन गिव्स अ पार्टिकुलर एज, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है कि किस एज के हिसाब से कौन सी वैक्सीन देती है, देनी चाहिए। तो ये इस चार्ट के अंदर ये है। अब इसको आप पढ़िएगा और रीड कीजिएगा यहीं तक।